दशकंदर रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर के शिव जी के उस पर्वत को ही उठा लिया। इतना बलवान था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कौतुक ही जैसे कौतुक खेल खेल में, उसे कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं करनी पड़ी, बहुत ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ा। कौतुक ही कैलाश उन लीने से जाए उठाई, मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। कैलाश पर्वत को तौल करके मानो अनुमान लगा लिया कितना इसमें वजन होगा, बहुत खुश हुआ। अच्छा, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी। देखो भाई, लाभ होना चाहिए, लाभ लाभ तो सभी को चाहिए, परंतु लाभ ही लेना लोभ के यदि फंदे में पड़ गए तो सीधे नरक की टिकट कटने की तैयारी है। एक काशी से पढ़ करके विद्यार्थी आए तो घर वालों ने उनका विवाह कर दिया। अब उनकी धर्मपत्नी आई, वो भी कुछ विद्वान नहीं थी। उसने कहा, भाई तुम तो आचार्य जी हो, बड़े ज्ञानी कहलाते हो, तीर पड़ोस में बड़ी पूजा तुम्हारी होती है, नाम है, तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न आप बताइए। क्या? ये बताओ हे पतिदेव, पाप का बाप कौन होता है? पाप का बाप कौन होता है? पंडित जी तो बड़ा सिर खुजलाने लगे, बोले यही बातें तो हमारे गुरु जी ने कभी नहीं सिखाई, वेद शास्त्र पुराण दर्शन मीमांसा गीता उपनिषद ये सब सुनाए, अब ये क्या होता है पाप का बाप, समझ में नहीं आता। तो उसने कहा, फिर जब इतना ही नहीं मालूम है तो काहे के ज्ञानी हो, और जब मेरे जब प्रश्न को उत्तर दियो तब हम तुम्हें पति मानूंगी। अब बात लग गई, एकदम महाराज वहां से निकल पड़े, बोले हम सीधे काशी जाएंगे, अपने गुरुदेव जी से जाकर के पूछेंगे आखिर पाप का बाप क्या होता है। तो महाराज चल दिए। अब पूरे नगर में इस बात की चर्चा हो गई, अभी नई नवेली दूल्हना, ये पता नहीं का झगड़ा हुई, वो तो रूठ हो जाए रो, तो सब मनाए रहे भैया ना जाओ, ऐसी बात का हो गई, का कह दी तुम्हारी नई नवेली धर्म पत्नी ने, ना जाओ। लेकिन सब मना करें ना जाओ, वो माना नहीं, चल दिया। चलते 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 महाराज पदयात्रा कर रहा था, गांव से कई कोस दूर निकल गया, प्यास लग गई, प्यास लग गई बहुत तेज, पानी की याचना करते करते महाराज एक द्वारे पर पहुंचा कि मुझे जल पिला दो। उस घर में रहती थी वैश्या, वो निकल करके आई, कहां लगी मस्तक पर चंदन है, सर पर शिखा है, वाणी विद्वानों की है, आप ब्राह्मण शरीर से हैं? कहा हाँ, ठीक ठीक सही पहचाना मैं ब्राह्मणी। बड़ी तेजी से जा रहे थे, प्यास तुम्हें सता रही है तो जल पी लीजिए, जल पिला दिया। तो कहा कि कहाँ जा रहे हो भाई महाराज जी, वैश्या ने पूछा, तो कहा कि हम जा रहे हैं काशी अपने गुरुदेव जी से एक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए। कौन सा प्रश्न है? तो कहा कि मेरी धर्म पत्नी ने हमसे ये कहा कि बताओ कि पाप का बाप क्या होता है। वैश्या बोली, ओ हो, इतनी तेज गर्मी में धूप में पैदल यात्रा कर रहे जा रहे हो काशी, इतनी बात पूछने के लिए गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? कहने लगे, और कौन समझा सकता है इस प्रश्न का उत्तर? वैश्या बोली, ऐसा करो तुम चले जाइयो, परंतु एक मेरी कथा कह दो, सत्यनारायण की कथा मेरी कह दो, और उसके बाद चले जाना। पंडित जी ने कहा, चलो ठीक है भाई, कथा तुम्हारी करेंगे, परंतु तुम किस जाति बिरादरी से हो? तो उसने कहा, मैं नगर की वैश्या हूँ। अरे पंडित जी, तो तुम्हारे यहाँ कथा? नहीं नहीं, मुझे बहुत जल्दी जाना है, मैं नहीं रुक सकता, नहीं कथा कर पाऊंगा। तो उसने क्या किया, ऐसे 100 रुपया निकाले और पंडित जी के हाथ पर रखे दे धीरे से। अरे महाराज मान जाओ, कथा कह दो, और कथा जब तुम मेरे घर पर कथा करोगे, हवन करोगे, तो हवन की अलग से दक्षिणा दूंगी और ठीक ही ठाक दूंगी। पंडित जी ने दिमाग लगाओ, कोई बात नहीं, अब पैसा की तो जरूरत होती है, थोड़ा लालच मन में आ गया, और कहने लगे, चलो ठीक है भाई, तुम्हारे घर में साफ सफाई करो, गाय के गोबर से चौका लगाओ, आम की सुविधा मंगाओ, और सुंदर सा हम आंगन में यज्ञ कर देंगे। सो भैया उसने सारी तैयारी की, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने प्रेम के साथ महाराज उसका सत्यनारायण का पाठ सुनाया, यज्ञ कर दिया, और जैसे ही चलने को हुए तो दक्षिणा उस वैश्या ने और दी, और कहा महाराज अभी तो यज्ञ अधूरा है मेरा, आप हमारे घर जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक मेरा दिल कैसे मानेगा कि मेरा यज्ञ पूरा हो गया।
मेरे घर कुछ खा पी लीजिए। पंडित जी ने कहा तुम्हारे घर का मैं कैसे खाऊं, मैं ब्राह्मण शरीर से हूं, मैं तुम्हारे घर नहीं खा सकता। तो उसने महाराज ऐसे 500 रुपया निकाले, उनके हाथ में रखे, महाराज मान जाओ मेरी बात। पंडित जी बोले अब यही तो है, अब तुम मान नहीं रही हो तो चलो फिर हम अपने आप बना लेंगे, और आटा हमको दे देना, सब्जी दे देना, अपने आप बना करके पा लेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, अपने आप पा लेना। अब पंडित जी ने महाराज चूल्हा जला दिया, तवा रख दिया, आटा गूंथने लगे, आटा गूंथने लगे। वैश्या देखती रही। उसके बाद में पंडित जी के पास में आई, कहने लगी गुरु जी हमारे घर में आप अपने आप बनाए खाओ, हमें कभी अच्छा ना लगे, आप मेरी बात मानो, हमें बनाए ले दो, हम आपको बढ़िया से खिलाए देंगे और फिर उसके बाद जाना। पंडित जी बोले अपनी औकात में रहो, तुम वैश्या हो, मैं ब्राह्मण, और तुम्हारे हाथ का मैं कैसे बना करके तुम दे दोगी, मैं खा लूंगा नहीं। तो उसने ऐसे 500 रुपया और निकाल लिया, पंडित जी के ऐसे जेब में रखे थे। पंडित जी बोले अब यही तो है, मान नहीं रही हो, चलो फिर ठीक है बनाओ। उसने महाराज आटा माड़ करके बढ़िया सी रोटी तैयार करी, पंडित जी के लिए थाली लगाई रही। अब पंडित जी महाराज खाने के लिए जैसे याचमन किया, जैसे कौर उठाओ मुंह की तरफ लेके चले, तो वैश्या दौड़ के आई गई, कहने लगी महाराज आप हमारे घर अपने हाथ से खाओ, अच्छा नहीं लगता। मेरी बड़ी इच्छा है गुरुजी कि 5 कौर हम पहले खिलाएं, 5 कौर हम खिलाए नहीं, उसके बाद में तुम अपना खाते रही हो। पंडित जी ने कहा तुम क्या कर रही हो, मैं ब्राह्मण हूं, तुम वैश्या हो, और तुम्हारे हाथों से मैं खाऊं, कदापि नहीं, अपनी औकात में रहो। तो उसने 500 को नोट निकालो, महाराज कृपा करो। पंडित जी ने 500 को नोट देखो, कहने लगे अब का कहा है तुमसे, अब यहाँ खैर कोई देखत भी ना है, चलो तुम 5 को, और तुम 5 के साथ खाएगा, अब का है खाना ही तो है हमको। तो वो वैश्या ने बढ़िया से कौर ऐसे उठाओ और पंडित जी के मुख की तरफ लेके गई, पंडित जी ने मुख खोलो तो बाने कौर तो मुख में ना ही रखो, एक ताड़ थप्पड़ ही, पंडित जी के गाल पर थप्पड़ पड़ो, सब एकदम बहराएंगे, काले ऐसे खबाओ जा, ये तरीका है तुम्हारा, मेहमान को सत्कार नहीं करना आता। तो उसने कहा महाराज आपको उत्तर दो, हमने आप अपने गुरु जी के पास जाते काशी, परेशान होते खाली, और जाके पूछते जाए कि पाप का बाप क्या होता है, तो तुम्हें उत्तर मैंने दे दिया कि पाप का बाप होता है लोभ। अभी तुम कितने नियमी थे, अभी तुम कितने प्रकांड विद्वान थे, अभी तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 100 रुपया बढ़ाए को, 200 रुपया बढ़ाए को, 500 को नोट पकड़ाओ, तुम सब अधर्म करने तैयार, बस यही तो है। पंडित जी ने महाराज उस वैश्या के हाथ जोड़ ले कि तू मेरी गुरु है, मुझे भटके हुए प्राणी को, अरे ज्ञानी तो मैं था लेकिन विवेक नहीं था, विवेक ठोकर लगने से जगता है, आज मुझे तुमने एहसास दिला दिया। तो ध्यान रखना, लोभ पाप का भी बाप है, वो नरक तुम्हें ले जाएगा। 25 रुपए में आलू तुमने खरीद लिए और 30 रुपए किलो बेचो खुले आम बाजार में, 5 रुपया को लाभ हो रहो सबका मालूम है, लेकिन 30 रुपया भी ले रहे हो, बीच में डांडू मार दे कम दे, तो ये लोभ है, ये तुम्हें नरक ले जाएगा। तो पाप का बाप यही है सज्जनों। लिखा है जितना जितना लाभ होता है उतना उतना लोभ बढ़ता जाता है, ऐसे ही जे राक्षस रावण के खानदानी, जितने जितने महाराज अत्याचारी पापाचारी अनाचारी भ्रष्टाचारी बढ़ते जाते हैं उतनी इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसे रोग, धीरे से पहले जुखाम हुई, अब जुखाम की अगर तुमने सही ढंग से उपचार ना करो तो फिर सर्दी तैयार हो जाए, सर्दी की अगर दवा ना ले फिर महाराज पूरी तरीका से बुखार दाब लेगा, सर्दी जड़ुआ लगेगा, है और इसी तरीका से एक पहले आओ तो जुखाम वालों रोग, अब कितने आई गए, धीरे 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 शरीर को पूरी तरीका जकड़ लेते हैं, ऐसे ही ये महाराज राक्षस हैं। अरे नितनु तन सब बाढ़त जाए, जिम प्रतिला बलोब अधिकार,